अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से एक चार दिन पहले असदुद्दीन अवैसी का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के घर को निशाना बनाते हैं, उसको भी खोद कर देखो मस्जिद मिलेगी बोलते हैं। फिर रिप्ले जो करीम नगर का एमपी है, प्लीज़ प्लीज़ बनने वाला बंडी वाला संजय, उसका आता है, उसमें उन्हें तेलंगाना के मस्जिदों को खुदाने की बात करता है। तो मैं बंडी संजय से कहूँगा, तू रिप्ले असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी को देना था, तेलंगाना के मस्जिदों को खुदाने की बात क्यों कर रहा है तू? मुसलमान तेरा क्या बिगाड़े, मस्जिद तेरा क्या बिगाड़ी? आकर हैदराबाद के ओल्ड सिटी में कितने मंदिर है देखो तुम, सेफ है मंदिरा, आज तक भी कोई मुसलमान नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि हम मुसलमान हर रिलीजन की रेस्पेक्ट करते, और तुम हमारी मस्जिद खुदाने की बात करते तो कभी उर्दू हटाने की बात करते, कभी रिजर्वेशन हटाने की बात करते। शर्म करो बंडी संजय, कब तक ऐसे नफ़रत फैलेंगे तुम, माहौल ख़राब करेंगे? सिकंदराबाद के एमपी किशन रेड्डी से सीखो तुम, उन्हें भी बीजेपी के ही है ना, सबसे मिलकर रहते हैं वो, सेकुलर है वो, अच्छे इंसान है। और मैं असदुद्दीन अवैसी से भी कहूँगा, जो मस्जिद की बात हो रही है उसकी करो आप, फिर आप बंडी संजय को रिप्ले दियो। बस बीजेपी और एमआईएम का ये एक ही खेल है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, जो खुद की एक मस्जिद नहीं बना सके ये लोग, ना खुद की वो लोग मंदिर बना सके। क्या असदुद्दीन अवैसी एक अपने मरहूम वालिद के नाम से मस्जिद बनाए? आज तक नहीं बनाए, लेकिन सियासत मस्जिद की, मुसलमानों की, जो आज तक मुसलमानों के कुछ काम नहीं आए। और नरेंद्र मोदी हो या योगी हो, अमित शाह, ये बंडी संजय, क्या आज तक एक मंदिर बनाए? क्या हिंदुओं के लिए कुछ काम आए? नहीं, लेकिन सियासत मंदिर और हिंदुओं की। इसलिए बोल रहा हूँ मैं हिंदू और मुसलमानों को, ये लोग सिर्फ सियासत करते हैं, किसी के काम आने वाले लोग नहीं हैं ये, इनको बॉयकॉट करें। जो लोग खुद के ही अपने मरहूम वालिद वालदा के नाम के मस्जिदें मंदिरें नहीं बना सकते, लेकिन सियासत कर सकते हैं ये लोग। और बंडी संजय को कहूँगा मैं, तेलंगाना की मस्जिदें तो नहीं खुजेंगी, लेकिन तुम्हारी खबर खुज जाएंगी, मुसलमानों को मत छेड़ो। अल्लाह हाफिज़।